हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक जो फोर्स है या फिर इलेक्ट्रिक जो प्रेशर है उसके फॉर्मूले की बात की थी। दो फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे। फर्स्ट हमने फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया। फोर्स के फॉर्मूले के बाद हमने जस्ट इलेक्ट्रिक प्रेशर डिराइव किया। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला आता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इन दोनों फॉर्मूले का यूज आज वाले डेरिवेशन में होने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें डिराइव करना है। जब हम बात करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी की, तो जो फॉर्मूला निकल के आता है वो कहलाता है एनर्जी डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल्स टू, वैसे तो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो मास बताया जा रहा है वो होगा एनर्जी। तो मास इक्वल्स टू, जब एनर्जी हम पढ़ते हैं और डिवाइड में हमारे पास वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, तो वो फॉर्मूला कहलाएगा एनर्जी डेंसिटी का। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक हमने कंडक्टिंग स्फेयर लिया है, चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ले सकते हैं। उसमें हमें जो वर्क डन करना होगा, तो जो वर्क डन होगा वही एनर्जी के इक्वल आएगा। सबसे पहले हम क्या डिराइव करने वाले हैं कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रिक जो फोर्स है उसके अगेंस्ट कितना वर्क किया, वो वर्क इक्वल आएगा एनर्जी के। देन हमें उस एनर्जी को पर यूनिट वॉल्यूम में देखना है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी डेंसिटी कहलाएगी। तो यही हम आज डिराइव करने वाले हैं। चलते हैं डेरिवेशन पे। हम बात कर रहे हैं वर्क डन की। तो वर्क डन जो है वो किस तरह से होगा, तो अगर हम जो भी हमने कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ली है उस पे अमाउंट ऑफ चार्ज अगर हम इंक्रीज कर दें, या फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर दें, तो जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसमें एक एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगा या फिर स्टोर्ड हो जाएगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी की स्टोर्ड होने की बात कर रहे हैं। वो एनर्जी जो स्टोर्ड आई है यहाँ पर, वो किस वजह से आई है, वर्क डन से। और वर्क डन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, या तो हम कंडक्टिंग जो स्फेयर है उस पर अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीज करेंगे, या फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं, इसके पहले अगर हम बात करें फोर्स की एंड इलेक्ट्रिक जो प्रेशर है उसकी, तो उसके जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर आती है, मतलब आउटवर्ड दी सरफेस आती है, सरफेस ऑफ दी कंडक्टिंग स्फेयर। तो हमने जो कंडक्टिंग स्फेयर लिया था उसको हमने चार्ज किया था। तो यहाँ पर मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पर हमने फोर्स एंड जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है उसकी बात की थी। तो इन दोनों के जो फॉर्मूलाज है वो हमने डिराइव कर लिए थे। अब इनकी अगर डायरेक्शन की बात करें, तो इनकी जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड दी सरफेस ऑफ दी कंडक्टिंग स्फेयर आती है। इस तरह से हम इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं, फोर्स एंड ये जो प्रेशर है जिसकी बात कर रहे हैं, रेडियली डायरेक्शन होगी इसकी आउटवर्ड। ओके, तो ये जो सरफेस है इसके आउटवर्ड ये डायरेक्शन हो गई, और ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। सो दैट वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आउटवर्ड एंड द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, अब हम आते हैं वर्क डन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो चीज ध्यान रखनी है। फर्स्ट, अमाउंट ऑफ चार्ज अगर इस सरफेस पे हम इंक्रीज करें, या फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करें, तो जो वर्क डन होगा, जो हमने यहाँ पर वर्क डन निकाला है वो एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगा या फिर स्टोर हो जाएगा इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ ये बात होती है। अब हम डेरिवेशन पे चलते हैं। लेट मी कंसिडर अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। तो चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल हमने कंसिडर कर ली है। इसकी रेडियस अगर हम बात करें, तो स्मॉल आर हमने रेडियस ले ली है। अब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर हमने यहाँ पे इसका वॉल्यूम इंक्रीज किया है, ठीक है, अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज कर दें, और किस डिस्टेंस से वो इंक्रीज हुआ है, मान लो डी आर डिस्टेंस से हमने इसका वॉल्यूम इंक्रीज किया है, तो हमारे पास सबसे पहले हम अगर बात करें फोर्स की,
फोर्स जो है वो हम कैसे निकालेंगे, फोर्स इक्वल्स टू पी और एरिया आ जाता है हमारे पास। एरिया को हम 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इस कंडक्टिंग शेल की अगर बात करें हम, तो इसके लिए जो एरिया होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर पी इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, एफ अपॉन ए होता है। तो एफ का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, पी 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। अब हम अगर बात करें कि इस पर जो वर्क डन है वो कितना हुआ, तो अगर हम डीआर डिस्टेंस के लिए देखें, क्योंकि हमने जो वॉल्यूम है वो जो डीआर डिस्टेंस है, यहाँ पे मान लो इतनी जो डिस्टेंस है, या फिर ये जो डिस्टेंस है डीआर, इसमें हमने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया है। तो इस डिस्टेंस के लिए जो वॉल्यूम रहेगा उसको हमने इंक्रीज किया, तो वर्क डन हमारे पास कितना आता है, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी आर, इतना हमारे पास वर्क डन आता है। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी आर। जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन में एफ का फॉर्मूला है, तो हम यहां पर पुट कर देते हैं पी 4 पाई आर स्क्वायर एंड ये डी आर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर एरिया आ रहा है और ये क्या है, इतने डिस्टेंस से हमने वॉल्यूम को इंक्रीज किया है। तो इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर डीवी वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया है डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डीवी। अब ये जो पी है वो क्या है स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि पी जो है वो इलेक्ट्रिक प्रेशर है। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर का यहाँ पे जितना फॉर्मूला आता है वो हम पुट कर देंगे। कितना फॉर्मूला आया था यहाँ पे, पी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक प्रेशर को हमने लिखा था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यहां पर पुट कर देते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर डीआर डिस्टेंस जो वॉल्यूम हमने इंक्रीज किया है, इस इंक्रीज्ड वॉल्यूम में जो वर्क डन आया हमारे पास, वो हमारे पास आता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी। ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है। अगर हम कंप्लीट वर्क डन की बात करें, तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी, ये फॉर्मूला डिराइव होके आता है इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको कंसीडर कर लेंगे। यहाँ हमने डी डब्ल्यू और ये डीवी लिखा हुआ है, तो डीवी वॉल्यूम में जो वर्क डन होगा वो इतना होगा। अगर हम कंप्लीट वॉल्यूम में वर्क डन की बात करें, तो यहां पर इस इक्वेशन का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हम क्या देखते हैं कि दोनों का इंटीग्रेशन किया, डी डब्ल्यू से हमें डब्ल्यू मिला है, जो कि कंप्लीट वॉल्यूम के लिए वर्क डन निकल के आया है। और यही जो वर्क डन है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और उस एनर्जी से हम क्या निकालेंगे, एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे। कैसे, उस एनर्जी को पर यूनिट वॉल्यूम में हम रख देंगे, तो क्या आ जाएगी हमारे पास, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो वर्क हमारे पास कितना आया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी, ये इतना हमारे पास वर्क डन आ गया है। तो स्टूडेंट्स, हमने लिखा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी, और यहां से हमने वर्क डन कंप्लीट कितना निकाल लिया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है वर्क डन की, और ये जो है वो एनर्जी के इक्वल होगी। तो इसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ये जो कैपिटल यू है वो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी के इक्वल होगा, और ये जो है वो क्या कहलाएगी, एनर्जी कहलाएगी। देखो बच्चों, यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं एनर्जी की बात कर रही हूं, पर यूनिट वॉल्यूम में हमने एनर्जी नहीं निकाली है। अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी निकाल लेंगे तब वो एनर्जी डेंसिटी कही जाएगी, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी नहीं है, ये क्या है, ओनली एनर्जी है, और उसको हम कैपिटल यू से डिनोट कर रहे हैं। कैपिटल यू इज कॉल्ड एनर्जी, ओनली एनर्जी। अब हम क्या करते हैं, देखो स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूला था इससे हम क्या करें, ये जो डी डब्ल्यू है इसके डिवाइड में अगर हम डीवी लिख दें, तो डी डब्ल्यू अपॉन डीवी इक्वल्स टू ये बच जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। तो अब हम क्या देखते हैं कि डी डब्ल्यू जो वर्क डन था वो डीवी वॉल्यूम में है, इसका मतलब क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में वर्क डन है, और इस वर्क डन को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम एनर्जी कह रहे हैं।
पर यूनिट वॉल्यूम में जब हम एनर्जी निकाल लेंगे तो वो क्या बन जाएगी, एनर्जी डेंसिटी बन जाएगी। और एनर्जी डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, कैपिटल यू से डिनोट कर रहे हैं ओनली एनर्जी को और स्मॉल यू से डिनोट करेंगे हम एनर्जी डेंसिटी को। तो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला आता है हमारे पास वो कितना आता है, 1/2 ε₀ E² तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन जो आती है वो एनर्जी डेंसिटी की आती है। और यही हमारा आज का टॉपिक था। टॉपिक क्या था कि एक हम चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ले रहे हैं, उसमें हमें वर्क डन देखना है। तो वो वर्क डन हम किस तरह से देख रहे हैं, अगर उस चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर में हम अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ा दें या इंक्रीज कर दें या फिर हम वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर दें, तो दोनों से ही जो वर्क डन होगा वो एनर्जी की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा या फिर स्टोर्ड हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, वो वर्क डन निकालना है। और किस वजह से वर्क डन हुआ, हमने उस कंडक्टिंग स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया देन वर्क डन हुआ। वो जो वर्क डन है वो एनर्जी के इक्वल आ गया। और इस एनर्जी को पर यूनिट वॉल्यूम में अगर हम देखते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी जो होगी वो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला दे देगी। तो यहाँ एनर्जी डेंसिटी हमारे पास आती है स्मॉल यू इक्वल्स टू 1/2 ε₀ E² ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ये पढ़िए आप। थैंक यू।